तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। हमारा जो सीपीएसएस का पार्ट 4 है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आपका फोन और आपका जो ऐप है वो आपके फोन में जो क्रैश होता रहता है, ठीक है, और क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन यानी कि इससे कैसे बच सकते हो आप, ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चाहे हाय गाइस, मैं हूं जी, वेलकम टू टेक 100 प्रो। अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल वाला बटन दिया हुआ है वहां पे कर दो प्रेस, कोई भी पैसा पैसा नहीं लगेगा। और वहां पर एक बेल आइकन भी आएगा उसको भी दबाना ताकि मेरा जो अगली वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो भाई कर दो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना अगर वीडियो को अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका फोन और आपका ऐप जो है वो क्रैश क्यों होता है। तो दोस्तों ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले जो कारण सामने आती है वो है आपका करप्ट फाइल, यानी कि आप जब डाउनलोड करते हो कोई फाइल वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से करते हो, ठीक है, आप प्ले स्टोर से नहीं करते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऐप आता है जो मान लो कि आपका जो इमेक्स प्लेयर आपका प्रो वर्षन भी है और आपका बेसिक वर्षन भी है, ठीक है। बेसिक वर्षन फ्री में सर्विस देता है और प्रो वर्षन में आपको पैसा लगता है, ठीक है। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं कि फ्री में लेने के चक्कर में उसका एक पैच फाइल यानी कि उसका क्लोन डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारा मैलिशियस ऐप डाल दिया जाता है, बहुत सारा आपका जो बग डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हम उस ऐप को जो आपके फोन में डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इसी कारण से आपका फोन का जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। तीसरी जो कारण है, सॉरी दूसरी जो कारण है आपका मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरनल स्टोरेज जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसके बाद आपका जो सीपीयू रनिंग जो पोजीशन में नहीं होता है, ठीक है, और वो इतना लोड नहीं ले पाता है। तो इसी कंडीशन में आपका फ़ोन जो है सीपीयू काम करना बंद कर देता है और आपका जो फ़ोन जो है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। और तीसरी जो कारण है आपका वो है आपका आउटडेटेड ऐप और आउटडेटेड जो आपका मोबाइल वर्जन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मान लेना चाहिए कि आप अभी अभी मार्केट पे चल रहा है एंड्रॉयड पाई, एंड्रॉयड ओरियो, ठीक है, और आपके पास आपके मोबाइल पे जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड किटकैट या फिर मान लो एंड्रॉयड जिंजरबेड नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आपके किटकैट है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके मॉडर्न अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें आपका बहुत सारा ऐसा ऐप मिल जाएगा वो सपोर्ट नहीं करता किटकैट को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप थर्ड पार्टी से डाउनलोड तो कर लिया लेकिन आपके फ़ोन में इंस्टॉल भी हो गया लेकिन यहाँ पर रन नहीं कर सकते वो, ठीक है। ठीक एक ही तरह से आपका फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो बहुत हाई है लेकिन आपका जो ऐप है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि आपका फ़ोन के साथ वो कंपेटेबल हो सके, ठीक है। तो इसीलिए वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। चौथा जो ऐप है वो स्पेशली जो है ऑनलाइन ऐप के लिए होता है। देखिए ऑनलाइन पे आप कभी भी कुछ भी ऑनलाइन गेम्स वगैरह हो या फिर ऑनलाइन कोई शॉपिंग वगैरह की ऐप हो उसमें क्या होता है कि आपका सर्वर जब बहुत लो होता है आपका सर्वर काम करना ही बंद कर देता है, उस शॉपिंग बोलो या कुछ भी यार उसका जो भी सर्वर है, ठीक है, काम करना ही बंद कर देता है। तभी क्या होता है कि उसका ऐप जो है उसका ऐप जो है वो क्रैश कर देता है क्योंकि उसका सर्वर ही काम नहीं करता, ठीक है। तो उसके अंदर जाएगा क्या, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़रा आपका लैग फ़ोन में आपको लैग मिल जाएगा, फ़ोन में आपको क्रैश मिल जाएगा, ठीक है, और ऐप भी साथ ही साथ काम करना छोड़ देगा यानी कि क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी सॉल्यूशन जो है आपका फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उसको हमेशा जो है बहुत ज़्यादा अब खाली रखो, ठीक है, मिनिमम 2 GB तक, ठीक है, खाली रखो। और उसके बाद जो आप थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से डाउनलोड मत करो, आपका एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करो, ठीक है। और तीसरा जो है आपका जो भी आपका जो फ़ोन है या फिर ऐप है आप चेक कर लो एक बार कि आपका फ़ोन में जो भी ऐप है वो आपके कंपेटेबल है आपके फ़ोन के हिसाब से या फिर आपका जो फ़ोन है वो किसी ऐप से कंपेटेबल है क्या नहीं, ठीक है। और इसे चेक करने के बाद ही आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ठीक है, और उसके पहले नहीं, उससे पहले होगा तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में और कुछ नहीं। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं, बाय, मिलते हैं अगले